हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मजदूरों के पलायन मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने कहा, 1 करोड़ लोगों को रेल और सड़क रास्ते से उनके घर भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से कहा, देश भर में फंसे सभी प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने का काम 15 दिन में होना चाहिए। अब मजदूरों को वापस काम पर लाने की कोशिश शुरू। पंजाब से बिहार लौटे मजदूरों के लिए कंपनियां अब भेज रही हैं बस। मजदूरों पर नीतीश सरकार की पुलिस की चिट्ठी पर बवाल हो गया। चिट्ठी में लिखा, लौटते मजदूरों से अपराध बढ़ेगा। विवाद के बाद चिट्ठी वापस ली गई। बिहार पुलिस की चिट्ठी सामने आने के बाद आरजेडी के तेजस्वी ने सीएम नीतीश कुमार को गरीब विरोधी बताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिट्ठी फाड़ी। यूपी के बाराबंकी में एक ही परिवार के 5 लोगों की लाश मिली। 3 बच्चे भी थे। सुसाइड नोट में लिखा, लॉकडाउन में खाने तक का संकट था। यूपी के गाजियाबाद में एबीपी न्यूज की खबर का असर हुआ। साइकिल फैक्ट्री बंद करने पर श्रम विभाग ने एटलस कंपनी को नोटिस भेजा। कोरोना की वजह से सरकार अभी कोई नई योजना शुरू नहीं करेगी। पहले से घोषित योजनाओं को पूरा करने पर जोर। पैसा बचाना है मकसद। दिल्ली विधानसभा स्पीकर के सचिव को कोरोना संक्रमण हुआ। पिछले 10 दिनों से बीमार होने पर छुट्टी पर थे। विधानसभा स्पीकर ब्रांच सील हुई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली, हम कोरोना और तूफान से लड़ रहे हैं और मोदी दिल्ली में बोलते हैं बंगाल से ममता को हटाओ, ये राजनीति का वक्त नहीं है। ओडिशा की नवीन पटनायक सरकार ने राज्य के 11 जिलों में हर वीकेंड पर पूरा शटडाउन का आदेश दिया। घर से बाहर निकलना मना होगा। निसर्ग तूफान से तबाही का जायजा लेने के लिए आज सीएम उद्धव ठाकरे ने किया महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले का दौरा। रायगढ़ के अलीबाग से टकराया था चक्रवाती तूफान। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पर्यावरण दिवस पर वीडियो जारी किया, पेड़ लगाया, कविता ट्विटर पर शेयर की।